हेलो फ्रेंड्स, आर्चल सिक्स की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कमांड सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में सीखेंगे कि ग्रेप कमांड से हमने जो भी स्ट्रिंग सर्च की है उस स्ट्रिंग को हाईलाइट कैसे करते हैं, ग्रेप ऑप्शन के थ्रू हाईलाइट कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट, उसके बाद ग्रेप ऑप्शन और डबल हाइफन कलर और ऑटो ऑलवेज नेवर, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको यूज करना है। तो जब भी आपको हाईलाइट करना हो तब आपको या तो ऑटो ऑप्शन यूज़ करना है या फिर ऑलवेज। अगर आप नेवर करेंगे तो कभी हाईलाइट नहीं करेगा। और चलिए इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट, उसी बात में ग्रेप अंडरस्कोर ऑप्शंस, उसी बात में डबल हाइपन कलर इजिकल टू ऑलवेज। अब आप कोई भी टेक्स्टिंग सर्च करिए, ग्रेप डी एस पी और किस फाइल से हमें सर्च करना है, dcpt.com। देखिए ये जो स्ट्रिंग है जहाँ जिस लाइन में मैच हो रही है उस लाइन में ये स्ट्रिंग को ये हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन आप यूज करते हैं तो जब भी आपको जो आपने स्ट्रिंग सर्च की है उस स्ट्रिंग को आपको हाईलाइट करना हो तो आपको ये कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नेवर कर देते हैं तो ये कभी भी हाईलाइट नहीं करेगा। तो देख लीजिए कमांड का यूज क्या है। अगर आप जब भी आपको हाईलाइट करना हो तो आपको यहाँ पे ऑलवेज यूज करना है, और जब भी आपको हाईलाइट नहीं करना है तो आपको यहाँ पे नेवर यूज करना है। अगर आप नेवर यूज करते हैं तो कभी भी उस स्ट्रिंग को हाईलाइट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।